नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जहाँ आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी पांच बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालत और नाजुक कर दी है। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में 81,466 नए कोरोना केस, 469 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत में तेजी से फैल रही है। नए केस के मामलों में हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है। अप्रैल में पिछले साल सितंबर अक्टूबर जैसा हाल हो गया है। देश में 6 महीने बाद पहली बार रिकॉर्ड 81,000 से ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज किए गए। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 81,466 नए कोरोना केस आए और 469 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 50,356 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसके पहले 1 अक्टूबर को 81,484 नए केस आए थे। दोस्तों, आज देश में कोरोना की स्थिति क्या है जाने। कुल कोरोना केस 1,23,3,131। कुल डिस्चार्ज हुए हैं 1,15,25,000। कुल एक्टिव केसेस है 6,14,696। कुल मौतें हुई हैं 1,63,396। वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ लोगों को हो रहा है कोरोना, वैज्ञानिकों ने बताया इसे सामान्य बात। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बात करें तो उन्होंने 18 मार्च को चीनी कंपनी सिनोफार्म की कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन 20 मार्च को वो कोरोना संक्रमित हो गए। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन एक ट्रेनर की तरह होती है। वायरस से लड़ने के लिए आपको इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने के लिए कई हफ्तों की जरूरत होती है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा, जानिए कहां कब तक रहेगी पाबंदी। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने खरगोन, रतलाम और बैतूल में 2 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है, तो छिंदवाड़ा में 3 दिनों के लॉकडाउन का फैसला किया गया है। कमेटी ने कोरोना केसों को नियंत्रित करने के लिए गुरुवार को ये फैसला लिया। रतलाम, खरगोन और बैतूल में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा, तो छिंदवाड़ा में गुरुवार आधी रात से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली सहित इन राज्यों में स्कूल कॉलेज फिर से बंद, जानिए कब खुलेंगे। शबर में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में संक्रमण में जबरदस्त वृद्धि हुई है और सरकारों को सख्ती बरतनी पड़ी है। कोरोना में बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय समेत तमाम शिक्षा संस्थानों को बंद किए जाने की स्थिति में पहुंचा दिया है। कोरोना के घटते मामलों के बीच इन्हें खोला गया था। अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फरवरी महीने से शिक्षण संस्थानों को खोलना शुरू किया था, लेकिन अब फिर से बंद करना पड़ रहा है। जबकि कई राज्यों में स्कूल और बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। आइए जानते हैं इन राज्यों में स्कूल कॉलेजों से संबंधित क्या क्या आदेश लागू हुए हैं। दिल्ली में 8वीं तक के छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा। मध्य प्रदेश, 8वीं तक के स्कूल 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 5 अप्रैल तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। पंजाब में 10 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। गुजरात में 8 नगर पालिका क्षेत्रों के स्कूल 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कर्नाटक में 6वीं से 9वीं क्लास की कक्षाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी।
दुनिया में सबसे पहले रूस ने फिर चौंकाया जब जानवरों के लिए भी बनाई कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, रूस ने पिछले साल अगस्त महीने में दुनिया में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लॉन्च कर सबको चौंका दिया था और अब एक बार फिर उसने कुछ इसी तरह का काम किया है। दरअसल रूस ने जानवरों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन बना ली है। इस कोरोना वायरस के खिलाफ पशुओं के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के रूप में इसे दर्ज कराया गया है। कृषि सुरक्षा की देखभाल करने वाली संस्था ने ये दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में कृषि के सम्मतिन संगठन ने लूलिया मिलाओ से कहा कि वैक्सीन पहले से ही उपलब्ध है, इसे खरीदने के लिए ऑर्डर दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन पर आज की 5 बड़ी खबरें। यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।